नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल वशीकरण गुरुजी में। आज मैं आपको एक वशीकरण उपाय बताऊंगा जिससे आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। किसी का यानी आपके प्रेमी जो रूठ गए हैं आपसे, इसमें सभी आते हैं। प्रेमी यानी आपके कोई बच्चे हैं जो आपसे दूर हो गए हैं, या कोई आपका भाई है वो आपसे दूर हो गया है, या जो कोई भी प्रेम करने वाले हैं प्रेमिका या प्रेमी, जो आपस में कोई लड़ाई झगड़े की वजह से मैं बात नहीं कर रहे, या फिर किसी के दबाव में आके या शादी के लिए मना कर रहे हैं, ये वशीकरण मंत्र उन लोगों के लिए है। दोस्तों, ये वशीकरण मंत्र वश में नहीं करके देगा आपको, उसको दिल से आपको पास में ला के देगा। दोस्तों, ये वशीकरण मंत्र कुछ इस प्रकार है कि जैसे लोग आजकल वशीकरण पे एक ही मंत्र बता रहे हैं, वश करु करु स्वाहा। इस वश करु करु स्वाहा में किसी देवी देवताओं का आह्वान नहीं हुआ है। इस वशीकरण मंत्र में सिर्फ एक ही बात बोली गई है, वश करु करु स्वाहा। कोई भी मंत्र सिद्ध तभी किया जाता है जब किसी देवी या देवता का आह्वान होता है। सबसे वशीकरण करने के लिए सबसे ज्यादा आह्वान माँ कामाख्या देवी का होता है। अगर हमने उनको नहीं दिखाया तो मतलब किसी को नहीं दिखाया। तो इसमें आपने करना कुछ नहीं है। इस वशीकरण मंत्र में आपको एक काले रंग का मार्कर चाहिए या मार्कर या कोई पेन भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस वशीकरण उपाय में आपको थोड़ा सा शहद चाहिए, कोई भी हो सकता है ये। और इस मंत्र में आपने करना कुछ नहीं है, उस व्यक्ति का नाम लिखना है आपने अपने हाथ पे, और हाथ पे नाम लिखकर उस मंत्र को बोलना है जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप इस मंत्र को, बहुत ही सरल मंत्र है, आप इस मंत्र को एक बार बोलेंगे तो आप रट भी सकते हैं इसको, दिन में कभी भी जाप कर सकते हैं इसको। 1000 बार जाप करना है 3 दिन के लिए। तो दोस्तों, इस बात में हम आपको एक चीज बताते हैं कि वश करु करु स्वाहा और इस मंत्र में बहुत फर्क है। मैं एक ही मंत्र बार बार देख के नहीं बताता, क्योंकि मुझे खुद इन सिद्धियों की प्राप्ति है। और मैं ये मंत्र लोगों को इसलिए देता हूँ जो कोई वाकई में अपने प्रेमी या प्रेमिका से रूठ गया है। क्या मैं ये वशीकरण उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग राह चलती किसी लड़की पर या किसी भाभी पर। आजकल आप यूट्यूब पर देख लेंगे, हर किसी तरह की फोटो लगी हुई है, वो आपको कैसे भी वीडियो बना दे कि इस पे संभोग के लिए वशीकरण। दैट इज इम्पॉसिबल। वशीकरण इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन तंत्र विद्यास। ये मेरा कहने का भाव ये है कि वशीकरण बहुत सुंदर क्रिया है तंत्र क्रिया में, और बहुत सरल है। आप तो दोस्तों ये देख के जानकारी पाकर खुशी होगी कि वशीकरण करना सरल है, पर उन लोगों के लिए जो सच्चा प्यार करते हैं, जो किसी को इस्तेमाल करने के लिए करना चाहते हैं, उनके लिए वशीकरण उपाय कभी भी सरल नहीं हो सकता। तो दोस्तों, हम ज़्यादा बात ना करते हुए एक वशीकरण उपाय पहले आपको बता देता हूँ। तो उसमें करना कुछ नहीं है दोस्तों, आपने उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसका मैंने जैसे लिखा हुआ है। इस प्रकार आपने नाम लिखना है मार्कर से, लाल मार्कर या काले मार्कर से। तो ये काला मार्कर होगा तो बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा शहद हाथ में लेना है। शहद हाथ में लगाकर कुछ इस प्रकार आपने लगाना है। दोस्तों, शहद लगा के आपने मुट्ठी बंद कर लेनी है। 1000 बार आप माला का भी मंत्र ले सकते हैं, इसमें हाथ पर भी गिन सकते हैं, पर आपने 1000 बार बोलना है ये मंत्र। ओम माँ कामाख्या देवी आय नमः, ओम माँ कामाख्या ये देवी नमः। आपने ये मंत्र मुंह से बोलना है, दिल में आह्वान अपने प्रेमी का या जिसका वश करना चाहते हो उसका नाम लेना है। और ये मंत्र बोलते हुए आपने हाथ पर हाथ मुट्ठी बंद करके रखनी है जब भी ये मंत्र बोलो। और मित्रों और दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे जो उपाय हैं वो तभी कारगर साबित होंगे जब आप कोई चीज, जैसे कभी कोई गलत काम नहीं करके आए होंगे, जैसे आपने कोई मीट नहीं खाया, मसाला नहीं, नहा धो के ये मंत्र उपाय और प्रयोग करके करने के लिए बैठिए। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, आप ऐसे ही ना इस उपाय को करिए। गलत भी हो सकते हैं, अगर आप कुछ भी खा के अलबल
इस उपाय को करने से पहले आप एक बार जरूर नहाइए, और इसका समय करने का समय शनिवार रात्रि 12 बजे होगा। दोस्तों ये वशीकरण उपाय बहुत ही कारगर साबित हुआ है, और इसे करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस माँ कामाख्या देवी का आह्वान करते रहना होगा दोस्तों। और ये मंत्र बोलकर आप अपने प्रेमी को वापस पा सकते हैं, कोई भी हो सकता है आपका प्रेमी। तो दोस्तों अब मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो आने वाली अपडेट्स मिलती रहे। राधे राधे दोस्तों।